क्वेश्चन में हमें एक सीरीज एलसीआर सर्किट गिवन है, ठीक ना, और हमसे पूछा गया वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस और इनमें कौन लीड कर रही है, करंट या वोल्टेज, ये भी हमसे पूछा गया है, ठीक। और इसका दूसरा पॉइंट है, उसमें कह रहा है कि इस कैपेसिटर के पैरेलल में और कितनी कैपेसिटेंस कैपेसिटर ऐड कर दे कि इसकी जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाए, ठीक ना, इसकी पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले वोल्टेज इक्वेशन को देखो, तो जो टी का कोएफिशिएंट है वो ओमेगा की वैल्यू है, तो ओमेगा कितनी इसमें 1000 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। और इंडक्टेंस कितना है 100 मिली हेनरी। चलो इसे बार बार क्या ही लिखना छोड़ो। अब देखो, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक ना, और कैपेसिटिव मतलब इस सर्किट के रिएक्टेंस कैलकुलेट करो पहले, ठीक ना। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो की होती है एक्सएल, एक्सएल इक्वल टू क्या होती है ओमेगा एल, ओमेगा कितनी है 1000, एल कितनी है 100 मिली हेनरी, मतलब 100 × 10⁻³, इससे 3 जीरो निपट जाएंगे, तो एक्सएल इक्वल टू कितनी, एक्सएल इक्वल टू आ गई 100 ओम, ठीक। अब देखो, अब देखो एक्सी निकालो, एक्सी इक्वल टू क्या होती है, एक्सी को क्या कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो है एक्स इक्वल टू 1/ωc, तो एक्स इक्वल टू 1/1000 इंटू ये कितना है 2 × 10⁻⁶, ठीक, 1, 2, 3, और ये बचा -3 ऊपर जाकर हो जाएगा +3, तो एक्स इक्वल टू कितना 10³/2, मतलब 1000/2 कितना हो जाएगा 500 ओम, ठीक। तो जेड का फॉर्मूला क्या था, देखो सबसे पहले से कंपैरिजन कर लो, एक्सएल एक्सी में कौन बड़ी है, एक्सी बड़ी है, तो जेड का जो फॉर्मूला होगा इंपीडेंस ऑफ द सर्किट वो होगा जेड इक्वल टू √ जेड पूछा दिया ना, फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस हमारा हो जाएगा tan phi इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, तो एक्सी कितना 500 माइनस 100 बाय आर कितना, आर कितना 400, तो ये कितना हो जाएगा 400 बाय 400, तो tan phi इक्वल टू 400 बाय 400 इक्वल टू 1, तो phi कितना आ गया, phi कितना है 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1, क्लियर ना। अब देखो क्या करना है, अब इसमें देखो दोनों में बड़ी कौन, एक्सएल या एक्सी, तो एक्सी बड़ी है, एक्सी बड़ी है तो मतलब ये करंट को लीड करेगी, ठीक ना, अगर एक्सएल बड़ी होती तो वोल्टेज लीड, एक्सी बड़ी है तो मतलब करंट लीड, करंट लीड कर रही है। अब इसके बाद इसने क्या पूछा कि सेकंड पॉइंट कैसा, ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, ठीक ना, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि उस कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में कितनी कैपेसिटेंस ऐड कर दे कि ये इसकी पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, पावर फैक्टर यूनिटी मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इक्वल टू एक्सी ये हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सी को भी एक्सएल के इक्वल मान लो, अरे इसमें तो कोई चेंज थोड़ा ही ना कर रहे हैं, एक्सएल तो वही वैल्यू रहेगी, कैपेसिटेंस चेंज करने पे एक्सी की वैल्यू बदलेगी, तो एक्सी किसके इक्वल हो जाएगी, यूनिटी हो जाए एक्सएल के इक्वल, तो एक्सी को भी 100 मान लो, ठीक ना, सेकंड पॉइंट एक्सी को क्या मान लो, एक्सी इक्वल टू भी 100 ओम मान लो, सॉरी एक्सएल नहीं, एक्सी इक्वल टू 100 ओम मानना है, अब फिर कर देना है 100 इक्वल टू 1/1000 × पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2, तो मैं इसके पैरेलल में C1 कैपेसिटर जोड़ लेता हूं, तो ये कितना है 2 × 10⁻⁶ + C1। अब देखो इसे इधर भेजो, इन सबको उठा के इधर ले आओ, तो 2 × 10⁻⁶ + C
वन इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/10^5, ठीक ना। अरे 5 जीरो हो गया ना, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 जीरो हो गया तो 10^5। मैं तो कहता हूँ 1 जीरो ऊपर बढ़ाओ और 1 जीरो इधर भी बढ़ा दो, तो इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। 2 × 10^-6 + C1 = 10 × 10^-6। इसे उठा कर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा C1 = 10 × 10^-6 −2 × 10^-6। तो ये कितना हो गया, C1 = 8 × 10^-6, मतलब C1 = 8 माइक्रो फेरेड। 8 माइक्रो फेरेड। अगर इतनी कैपेसिटर, इतने कैपेसिटेंस की कैपेसिटर अगर मैं इसके पैरेलल में जोड़ दूं तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगी, यूनिटी। क्लियर।